टू बॉडी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. दो बॉडीज की हम बात करेंगे. यह दो बॉडी एक दूसरे से के पास हेड ऑन तरीके से आ रही होंगी, हेड ऑन तरीके से एक दूसरे को अप्रोच कर रही होंगी, और इन दोनों बॉडी के बीच में इलास्टिक कोलिजन होएगा. मैं सिचुएशन दिखाता हूं. बिफोर कोलिजन सिचुएशन को पहले ड्रॉ करूंगा और आफ्टर कोलिजन सिचुएशन को ड्रॉ करूंगा. वंस अगेन, रटने से पहले चीज को समझना है और समझने के बाद रटना भी जरूर है. यह बॉडी वन जिसका मास m1 है कुछ v1 वेलोसिटी से, और यह बॉडी टू जिसका मास m2 है यह v2 वेलोसिटी से. मैं थ्योरी पढ़ाते समय, सिखाते समय, समझाते समय सारे वेक्टर्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेता हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही असाइन करता हूं. मैंने दोनों बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ली है. कहीं पर भी प्रॉब्लम करते समय यदि कोई वेलोसिटी का डायरेक्शन उलट रहा है तो वहां इक्वेशन को अप्लाई करते समय उसे साइन कन्वेंशन में इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव साइन वहां असाइन करेंगे. एनीवे, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव डायरेक्शन. अब बॉडी वन आगे चल रही है, बॉडी टू पीछे चल रही है, बॉडी टू फॉलो कर रही है, इसलिए बॉडी टू की वेलोसिटी ज्यादा दिखा भी रखी है, एरो मैंने बड़ा बना रखा है. बॉडी वन आगे चल रही है, इसकी वेलोसिटी कम होना चाहिए, तभी ये इसको अप्रोच करेगी, तभी ये टकराएगी. बिफोर कोलिजन इस कंडीशन को देखने के बाद लेट्स डिफाइन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हियर. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन हम लिख दें. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इसके लिए कोई फॉर्मूला रटा नहीं जाना है, ये तो कंसेप्ट समझ लेना है कि व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब विथ व्हाट रेट बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, विथ व्हाट रेट दे आर डिक्रीजिंग देयर सेपरेशन, विथ व्हाट रेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग. इन दिस केस इट्स वी टू माइनस वी वन. आफ्टर कोलिजन अब दोनों टकरा जाती हैं, कहीं इधर टकराएंगी और टकराने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है. यह बॉडी वन, इसकी वेलोसिटी वी वन डैश जो कि ज्यादा हो गई, और यह बॉडी टू, इसकी वेलोसिटी वी टू डैश. आई विल डिफाइन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. आफ्टर कोलिजन किस रेट से, कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रही है, दिस इज वी वन डैश माइनस वी टू डैश. नाउ ये चीज डिफाइन करने के बाद अब मैं दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखूंगा और उन दोनों कंस्टेंट इक्वेशन को सॉल्व करूंगा.
कौन कौन सी दो कस्टडी क्वेश्चन? एक तो हमने कहा है कि किसी भी कोलिजन के दौरान कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखूंगा, और दूसरा इस पर्टिकुलर कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने कहा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। बिफोर कोलिजन एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कोलिजन एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। मैं यह दोनों इक्वेशन बना रहा हूं। पहली मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन, मोमेंटम कॉन्स्टेंट इक्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, फाइनल मोमेंटम इज एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश, एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। दिस इज मोमेंटम कॉन्स्टेंट इक्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन। अब इसके बाद दूसरे इक्वेशन लिखता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। सिंस इट्स इलास्टिक कोलिजन, इसलिए इलास्टिक कोलिजन के लिए एनर्जी कंजर्व अवश्य होना चाहिए, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखी जाए, एनर्जी कॉन्स्टेंट इक्वेशन। कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वन वी वन स्क्वायर कोलिजन प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। पार्टिकल वन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, पार्टिकल टू की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। दिस इज एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ध्यान रहे ठीक कोलिजन से पहले और ठीक कोलिजन के बाद, इसमें कोई समय नहीं है, जीरो टाइम में इवेंट हुआ। हमने एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम हमेशा कर देते हैं कि कोलिजन वाला इवेंट जीरो टाइम में होता है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स हो भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो टाइम में एक्सटर्नल फोर्स कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, कोई मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगी। एक्सटर्नल फोर्स को मोमेंटम चेंज करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। हम एनर्जी कंजर्वेशन भी कर देते हैं, हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू डैश स्क्वायर, एनर्जी भी कंजर्व हो गई बराबर। बिफोर द कोलिजन एनर्जी, आफ्टर द कोलिजन एनर्जी बराबर हो गई। अब दिस आर द टू कंस्ट्रेंट इक्वेशन, हम इन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, वह इक्वेशन विच वुड बी इजी टू मेमोराइज, विच वुड बी इजी टू सॉल्व। देखिए पहली इक्वेशन में मैं m1 की टर्म्स को कलेक्ट करता हूं और इक्वालिटी के एक तरफ कलेक्ट करूंगा, और M2 की टर्म्स को इक्वालिटी के दूसरी तरफ कलेक्ट करूंगा, और यही काम दूसरी इक्वेशन में भी करूंगा। M1 V1 माइनस M1 V1 डैश, M1 इंटू V1 माइनस V1 डैश इज इक्वल टू, यह V1 डैश उधर गया, यह M2 V2 टर्म इधर ले आऊंगा, M2 V2 डैश माइनस V2,
जिस तरह से मैंने M1 की टर्म एक तरफ करेक्ट करी, M2 की टर्म दूसरी तरफ करेक्ट करी, यही काम मैं दूसरी इक्वेशन में भी कर लेता हूं। थ्रू आउट हाफ तो कैंसिल होता दिख ही रहा है मुझको, थ्रू आउट हाफ कैंसिल होता दिख रहा है, उसको मैं कैंसिल होता हुआ दिखा दूं, यह कैंसिल हो गया। इधर भी M1 की टर्म एक तरफ कलेक्ट कर रहा हूं, M1 V1 स्क्वायर माइनस V1 डैश स्क्वायर, M1 V1 स्क्वायर माइनस V1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू M2 V2 डैश स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को ऑपरेट करके एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाई जा सकती है, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, M1 कैंसिल, M2 कैंसिल, इधर V1 स्क्वायर माइनस V1 डैश स्क्वायर को लिख देंगे हम V1 माइनस V1 डैश और V1 प्लस V1 डैश इंटू, और V1 माइनस V1 डैश कैंसिल, इधर V2 डैश स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, इसको लिख दिया V2 डैश माइनस V2 अपॉन V2 डैश प्लस V2, तो V2 माइनस V2 डैश, V2 डैश माइनस V2 कैंसिल हो जाएगा। और जरा देखिए कि हमारे पास क्या बचा रहेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस जब करा तो बचा रह जाएगा V1 प्लस V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश प्लस V2। अ सिंप्लीफाइड लीनियर इक्वेशन, अ सिंप्लीफाइड लीनियर इक्वेशन, जैसे मेमोराइज करने के दो तरीके बता देता हूं, जो तरीका आपको आसान लगे, मुझे जो तरीका आसान लगता है पहले तुम्हें वह बताता हूं। मुझे आसान लगता है इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वुड बी इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। मुझे यह तरीका सबसे आसान लगता है इस इक्वेशन को मेमोराइज करने का, इस इक्वेशन को हमेशा अप्लाई करने का। एक और अल्टरनेटिव तरीका इसी समय में आपको बताता हूं, यह तरीका भी प्रैक्टिस करा जाए तो कोई समस्या नहीं लगती है। मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देता हूं और इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं जिससे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दिखने लगे। देखिए इस तरह से मैं इस V1 को इस तरफ ले जाऊंगा और इस V2 को इस तरफ ले आऊंगा तो दिखने लगेगा V1 डैश माइनस V2 डैश इज इक्वल V1 डैश, ये V2 इधर आया तो माइनस V2 डैश, और इधर दिखने लगेगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। इसी इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करके लिख दिया जाए तो इस इक्वेशन को मेमोराइज करने का एक और तरीका दिख गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन।
मैं इसे साफ करके लिखूंगा। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, After collision is equal to velocity of approach before collision. Coefficient of restitution देखें, coefficient of restitution क्या होता है? Coefficient of restitution is velocity of separation after collision upon velocity of approach before collision. It implies coefficient of restitution is 1. Coefficient of restitution is 1. Elastic collision ke dauran E is always equal to 1. Coefficient of restitution 1 hota hai. Velocity of separation after collision और velocity of approach before collision दोनों बराबर होते हैं। Bodies जिस rate से एक दूसरे के करीब आ रही हैं, टकराने के बाद उसी rate से एक दूसरे से दूर जाती है। This is elastic collision. In short, elastic collision के दौरान हम दो equation हमेशा apply करेंगे। The two constant equation are two constant equations are एक तो momentum constant करना है, momentum conserve करना है, और दूसरा coefficient of restitution 1 करना है। एक तो momentum conserve करना है और एक coefficient of restitution 1 करना है। मतलब पहली equation कौन सी बनाएंगे? m1v1 plus m2v2 is equal to m1v1 dash plus m2v2 dash. पहली equation तो यह होएगी और दूसरी equation या तो velocity of separation और velocity of approach के term में लिख दो या फिर जो मैंने बताया initial plus final of first is equal to initial plus final of second. Initial plus final of first is equal to initial plus final of second. These are the two constant equation will always form during any head-on elastic collision. किसी भी head-on elastic collision के दौरान हम यह दो constant equation हमेशा बनाएंगे। अब मैं कुछ अलग-अलग cases बताता हूँ elastic collision के दौरान। इन सभी cases को पहले हम properly solve करके देखेंगे, फिर जो result आएगा उसको thoroughly memorize कर लेंगे। प्रॉब्लम के दौरान डिराइव करने के बाद हमेशा डायरेक्टली अप्लाई करना है इन स्पेशल केसेस को। पहले यह सारी चीज एक बार ध्यान से लिख ले, ऑल दिस कॉल्ड थ्योरी पोर्शन, बात को समझ रहे हो आप। अब इस थ्योरी को हम कुछ स्पेशल केसेस में अप्लाई करके उन स्पेशल केसेस को समझ लेते हैं। पहला केस, two body head-on elastic collision if the bodies are identical, if masses are identical, if two identical bodies undergo
हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, सबसे पहला केस। केस वन, इफ टू आइडेंटिकल मासेस अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, आइडेंटिकल मासेस, यह सिचुएशन बिफोर कोलिजन की, मास m1, वेलोसिटी v1, मास m2, वेलोसिटी v2, मास m1, वेलोसिटी v1 कुछ ज्यादा दिखाऊं, मास m2, वेलोसिटी v2, और मास m1 और m2 बराबर mm। अब आफ्टर कोलिजन, यह तो हुआ बिफोर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन यह मास m, यह मास m, यह बॉडी 1 है, यह बॉडी 2 है, यह बॉडी 1, यह बॉडी 2, बॉडी 2 की कुछ वेलोसिटी हो गई v2 डैश और बॉडी 1 की वेलोसिटी हो गई v1 डैश, दिस इज आफ्टर कोलिजन। अब टू आइडेंटिकल मासेस, आइडेंटिकल मासेस थे इसलिए एम 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 सारे मास से क्या होगा इसे हम समझते हैं। हम वही दोनों इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो अभी अभी हमने डिराइव करी, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन को हमने सॉल्व करके एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ सेकंड। मैं यह दोनों इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, देखिए एम वी वन प्लस एम वी टू इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एम वी वन डैश प्लस एम वी टू डैश, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिख दी गई। दूसरी इक्वेशन लिखता हूं, इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ फर्स्ट, इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल ऑफ सेकेंड, पहली इक्वेशन में थ्रू आउट एम कैंसल्ड, अब दो इक्वेशन हमको दिख रही है, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को यदि हम ऐड कर दें तो देखिए यह वी वन डैश, यह वी वन डैश और यह वी वन डैश कैंसिल, यह वी टू और यह वी टू कैंसिल, इधर देखने लगेगा 2v1 इज इक्वल टू 2v2 डैश और v1 इज इक्वल टू v2 डैश,
बी वन इज इक्वल टू वी टू डैश। अब यदि इसको मैं इस सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई कर दूं, ये जो मैंने रिजल्ट ऑप्टेन करा इसको सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई कर दूं, तो अपने आप यहां दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और मुझे दिखने लगेगा, देखिए ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, v1 इज इक्वल टू v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2, ये सेकेंड इक्वेशन लिखी है, इसमें v1 इक्वल टू v2 डैश, ये दोनों काट दो तो मुझे दिखने लगेगा v1 डैश इज इक्वल टू v2, और इसके पहले ऑप्टेन कर लिया है v2 डैश इज इक्वल टू v1। नाउ ऑब्जर्व दिस रिजल्ट, v1 डैश मीन्स फाइनल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू v2, इज इक्वल टू इनिशियल ऑफ सेकेंड, v2 डैश फाइनल ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू v1, इट इज इनिशियल ऑफ सेकेंड, मीन्स बॉडी 2 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो बॉडी 1 की इनिशियल थी, और बॉडी 1 की जो फाइनल है वो बॉडी 2 की इनिशियल थी। इट मीन्स द टू बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, द टू बॉडीज वुड एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगी, बॉडी वन बॉडी टू से टकरा रही है, बॉडी वन अपनी वेलोसिटी बॉडी टू को दे देगी और बॉडी टू अपनी वेलोसिटी बॉडी वन को दे देगी, ऐसा हमेशा तब होगा जब दोनों बॉडीज का मास आइडेंटिकल है। इफ टू आइडेंटिकल मासेस अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इन दैट केस दे वुड ऑलवेज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। यदि यह दोनों बॉडी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करती हैं, तो यह हमेशा एक दूसरे के साथ वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेंगी। This is an important conclusion. पहले इसको समझा जाए, इसके डेरिवेशन को ध्यान से देख लिया जाए, बड़ा साधारण सा डेरिवेशन है, दिमाग में प्रॉपरली बैठा लिया जाए, और आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन दिखती है तो उस समय डिराइव करने की आवश्यकता नहीं पड़े, सीधा सीधा अप्लाई कर दें। द कंडीशन इज इलास्टिक कोलिजन, टू बॉडी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन एंड आइडेंटिकल मासेस। नाउ अनदर कंडीशन इलास्टिक कोलिजन की,